हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। तो पिछले वीडियो में बात करी थी कि फाइटोक्रोम क्या होते हैं और यह किस प्रकार पुष्पन को प्रभावित करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख लेना। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी दीप्ति कलिता होती है वह क्या होती है, और दीप्ति कलिता जो होती है उसके आधार पर पादपों कितने भागों में बटा गया है, मतलब कि शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं और डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अंधकार का जो होता है पुष्पन पर क्या इफेक्ट होता है, ये सभी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें पुष्पन की कारिकी की जो क्रियाविधि होती है वह दो कारकों द्वारा नियंत्रित की होती है। पहला होता है प्रकाश अवधि, जिसे हम दीप्ति कलिता कहते हैं, और दूसरी होती है बसंती कलिता। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रकाश अवधि यानी कि दीप्ति कलिता के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम बसंती कलिता के बारे में बात करेंगे यानी कि वर्नलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि दीप्ति कलिता क्या होती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 24 घंटे के प्रकाश व अंधकार काल के दैनिक चक्र में प्रकाश काल की अवधि जो होती है दीप्ति काल कहलाती है, तथा सजीवों की दीप्ति काल के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसे हम दीप्ति कलिता कहते हैं। मतलब जो एक दिन होता है उसमें 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में क्या होता है, कुछ काल जो होता है प्रकाश का होता है और कुछ काल अंधकार का होता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश काल होता है वही क्या कहलाता है, दीप्ति काल कहलाता है। ठीक है, और इस दीप्ति काल के प्रति जो हमारे पौधे होते हैं उनकी अनुक्रिया किस प्रकार होती है उसको ही हम दीप्ति कलिता कहते हैं। ठीक है, तो दो वैज्ञानिक थे हमारे गार्नर्ड और एलार। ठीक है, तो जो हमारे दो वैज्ञानिक थे गार्नर और एलार, इन्होंने क्या किया कि तंबाकू की एक किस्म थी मेरीलैंड मेमथ, ठीक है, तो मेरीलैंड मेमथ नामक किस्म पर प्रयोग किया। तंबाकू की इस किस्म में तंबाकू के अन्य पौधों के समान बसंत ऋतु में बोने पर ग्रीष्म ऋतु में पुष्प नहीं होता है। मतलब जो तंबाकू की अन्य किस्में हैं उनमें क्या होता है कि हम वसंत ऋतु में अगर पौधों को बोते हैं तो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में उनमें पुष्पन हो जाता है, लेकिन इस किस्म में क्या होता है कि वसंत ऋतु में बोने पर ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन नहीं होता है। ठीक है, तथा शरद ऋतु में क्या होता है कि ठंड के कारण यह पौधे जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इस किस्म के बीजों को शरद ऋतु में ग्रीन हाउस में अंकुरित करके उनके नवोद्विदों को बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु के जो प्रारंभ था उसके में खेतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो क्या होता है इन पौधों में जो होता है ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में पुष्पन हो जाता है। मतलब इन्होंने क्या करा कि फिर जो हमारे मेरीलैंड मेमथ मेमथ नाम के जो तंबाकू की किस्म थी उसके बीज थे उसको इन्होंने क्या करा कि जो शरद ऋतु थी इसके अंदर ग्रीन हाउस में अंकुरित कर लिया, ताकि ये क्या करे कि पाले से जो है यह बीज जो है मर नहीं जाए, मतलब कि जो पौधे हैं ये नष्ट नहीं हो जाए। ठीक है, तो शरद ऋतु में ग्रीन हाउस में अंकुरित करके इन्होंने नवोद्विदों को बसंत ऋतु में उगाया, और जो हमारी ग्रीष्म ऋतु थी इनमें पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो जो गार्नर और एलार्ड नामक जो वैज्ञानिक थे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो पुष्पन को प्रभावित करने वाला क्रांतिकारक है वह क्या है, प्रकाश काल की अवधि है यानी कि दीप्ति काल है। इन्होंने इस किस्म के पादप को कुछ दिनों के लिए प्रतिदिन 17 घंटे का अंधकार तथा 7 घंटे के प्रकाश काल में रखा, तो उनमें इन्होंने देखा कि पुष्पन हो गया। अतः प्रकाश तथा अंधकार की अवधियों के अंतरालों के प्रति जो होते हैं पौधों की अनुक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, दीप्ति कलिता कहते हैं। ठीक है, अब पौधों में दीप्ति कलिता की अनुक्रिया के लिए जीवन काल में किसी निश्चित अवस्था पर निश्चित क्रम में प्रकाश का प्राप्त होना आवश्यक होता है। मतलब क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें दीप्ति कलिता के प्रति जो अनुक्रिया होती है, मतलब कि पुष्पन की प्रति जो अनुक्रिया होती है, ठीक है, तो उसके लिए इनके जीवन काल में किसी भी एक निश्चित अवस्था में निश्चित क्रम में प्रकाश का प्राप्त होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी दीप्ति कलिता के आधार पर पौधे हैं इनको कितने प्रकार के होते हैं। तो दीप्ति कलिता के आधार पर पौधों को हमने तीन भागों में बेसिकली बांट रखा है। पहला होता है हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि एचडीपी, लघु दिवस पादप भी जिन्हें हम कहते हैं। तो इन पौधों में पुष्पन जो होता है के लिए दिन की लंबाई जो होती है एक निश्चित क्रांतिक काल से कम होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एचडीपी यानी कि दीर्घ रात्रि पादप भी कह सकते हैं। यानी कि यह क्या हो जाएंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे, मतलब कि लघु दिवस पादप हो जाते हैं या फिर दीर्घ रात्रि पादप। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, यह इंपॉर्टेंट है कि सोयाबीन है, आलू, गन्ना, धतूरा, बथुआ जिसे हम चिनोपोडियम कहते हैं, यह सब क्या है कि शॉर्ट डे प्लांट्स है। ठीक है, तो इनमें पुष्पन के लिए क्या है, दिन की लंबाई जो है निश्चित क्रांति काल से कम होती है, मतलब कि कम आवश्यकता होती है इन्हें प्रकाश की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पादप आता है वो आता है हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, यानी कि दीर्घ दिवस पादप। तो इस वर्ग के पौधों में पुष्पन के लिए दीप्ति काल की अवधि जो है क्रांति काल से अधिक होती है। अब क्रांति काल की जो अवधि होती है वही क्या होती है, 14 से 18 घंटे तक की होती है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पालक, मूली, चुकंदर, अफीम और हेनबेन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं सबके। अब तीसरे टाइप के जो हमारे पादप आते हैं वो होते हैं हमारे दिवस उदासीन पादप। ठीक है, तो इसके इस प्रकार के जो पादप होते हैं इनको हम जो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि डीएनपी भी कहते हैं। इन पादपों में पुष्पन की क्रिया जो होती है दीप्ति काल से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि इन पर जो होता है प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि टमाटर हो गए, खीरा, कपास, मक्का, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। अब हमारे चौथे टाइप के जो पादप आते हैं वो आते हैं हमारे मध्यवर्ती पादप। ठीक है,
तो मध्यवर्ती पादप क्या होते हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें पुष्पन केवल एक विशिष्ट प्रदीप्त काल में ही होता है, ठीक है। जैसे कि गन्ने की कुछ किस्में यूपेटोरियम, ठीक है, एंडोपोगोन और फर्केटस, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गन्ने किस्में हैं इनमें क्या होते हैं कि यह जो होते हैं मध्यवर्ती होते हैं, मतलब कि इनमें पुष्पन एक विशिष्ट जो होता है प्रदीप्त काल के अंदर ही होता है। अब ये जो इसके अंदर एक टर्म यूज़ कर रहे हैं हम क्रांतिक दीप्ति काल, वही क्या होती है हम देख लेते हैं। तो जो क्रांतिक दीप्ति काल होती है वह क्या होती है, प्रकाश की समय अवधि होती है जिससे कम प्रकाश देने पर पौधों में पुष्पन की जो क्रिया होती है नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक दीप्ति काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा जैंथियम पादप होता है एक लघु दिवस पादप है, इसका क्रांतिक दीप्ति काल जो होता है 11 घंटे का होता है, इससे कम प्रकाश देने पर उसमें क्या होगा, पुष्पन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो क्रांतिक दीप्ति काल हम खुद डिसाइड करते हैं कि अगर कोई लघु दिवस पादप है तो उसका जो क्रांतिक दीप्ति काल है वह जो होगा वही क्या होगा, कम होगा, मतलब कि उसमें क्या हो जाएगा कि जो 11 घंटे हैं उससे अगर कम प्रकाश देंगे तो उसमें क्या होगा, पुष्पन हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा जो आता है वो आता है हमारा एग्जाम्पल है हमारा थायोसाइमस नाइगर, ठीक है। तो जो ये पादप है इसमें क्या होता है, एक दीर्घ दिवसकाली पादप है, तो इसको प्रकाश की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, तो इसका जो क्रांतिकाल होगा वो भी अधिक होगा। तो क्रांतिक दीप्तिकाल जो होता है 15 घंटे का होता है और इससे कम प्रकाश की अवधि पर पुष्पन की क्रिया जो होती है नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट इफेक्ट जो आता है अंधकार पर पुष्पन का जो होता है प्रभाव, मतलब कि जो अंधकार की अवधि है वह पुष्पन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो दीप्तिकलिता का अर्थ क्या होता है कि प्रकाश की अवधि की पुष्पन में आवश्यकता, जबकि दीप्तिकलिता का प्रयोग जो होता है एक भ्रामक शब्द है, मतलब कि क्योंकि जो पौधे होते हैं कि प्रकाशिक अवधि का आभास कराता है, जबकि क्या होता है कि वास्तव में पौधे जो होते हैं दैनिक चक्र में अप्रकाशिक काल की अवधि को नापते हैं, ठीक है। मतलब हम दीप्ति काल में क्या करते हैं कि जो हमारे प्रकाश काल की अवधि होती है उसे नापते हैं, जबकि वास्तव में क्या होता है कि जो पौधे की दैनिक चक्र में क्या होती है अप्रकाशिक काल की जो अवधि होती है उसे नापा जाता है। इस तथ्य को केसी हेमनर और जे बोनर नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों में प्रमाणित किया, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है जैंथियम स्टूमेरियम पादप पर किया था। इन्होंने प्रयोग में क्या किया हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि जिस डायग्राम से हम समझते हैं कि यह दिन की अवधि है और यह जो है अंधकार की अवधि घंटों में है, तो इन्होंने 16 घंटे का जब प्रकाश दिया और 8 घंटे का अंधकार दिया, तो पौधे के अंदर जो होता है पुष्पन की क्रिया नहीं होती, इनमें कायिक वृद्धि ही होती है, ठीक है। जब दूसरे प्रयोग में इन्होंने इनमें 8 घंटे का प्रकाश दिया और 16 घंटे का अंधकार दिया, तो इनमें क्या होता है कि पुष्पन की क्रिया हो जाती है। अब अगले प्रयोग में इन्होंने क्या करा कि प्रकाश की अवधि सेम रखी लेकिन जो अंधकार की अवधि थी उन्होंने इसे कम कर दी और 4 घंटे कर दी, तो इससे क्या होता है कि पुष्पन जो होता है नहीं होता है और केवल कायिक वृद्धि होती है। अब अगले इन्होंने प्रयोग में क्या करा कि प्रकाश की अवधि को 16 घंटे कर दिया और जो हमारे अंधकार की अवधि थी उसको 32 घंटे कर दिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि पुष्पन जो होता है हो जाता है, जबकि प्रथम प्रयोग में क्या हुआ था कि जब 16 घंटे का प्रकाश दिया गया था तब पुष्पन नहीं हुआ था। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो हमारे अंधकार की अवधि है वह जो होती है पुष्पन को प्रभावित करती है, ठीक है। तो अब इन्होंने अपने प्रयोग में क्या कहा हम उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि पौधों में पुष्पन के लिए प्रकाशिक काल की अपेक्षा अप्रकाशिक काल अधिक महत्वपूर्ण है। उपरोक्त चित्रों से पता चलता है कि जैंथियम में पुष्पन केवल उसी दशा में होता है जब अंधकार की अवधि 9 घंटों से अधिक होती है और इस अवधि से कम होने पर पौधे कायिक अवस्था में ही रहते हैं, ठीक है। अब SDP पादपों में यदि उनके अंधकार के समय को डिस्टर्ब कर दिया जाता है तब भी पुष्पन की क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। मतलब कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिनको प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, अगर उनके अंधकार के समय को आप किसी भी समय डिस्टर्ब कर दोगे, भले ही आप उसको 20 घंटे का अंधकार का समय दो, पर बीच बीच में आप थोड़ी देर के लिए भी उनके अंधकार के समय को डिस्टर्ब कर दोगे तो उन्हें पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। लेकिन जो LDP प्लांट्स होते हैं में दिन की अवधि को कम किया जाए तो भी पुष्पन की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह क्या करता है, स्पष्ट करता है कि जो अंधकार की अवधि होती है वह जो होती है पुष्पन के लिए अधिक आवश्यक होती है, ठीक है। अब इसे हम वापस एक डायग्राम की सहायता समझते हैं। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यह क्या है, SDP प्लांट से, मतलब कि जिन्हें प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, शॉर्ट डे प्लांट से, ठीक है। तो इनमें प्रकाश की अवधि यह है और यह अंधकार की अवधि है। अब हमने क्या करा कि जो अंधकार की अवधि इतनी लंबी है फिर भी इसके बीच में थोड़े से समय के लिए ही बल्ब द्वारा प्रकाश लिया आया, तो बल्ब द्वारा प्रकाश देने में भी क्या होगा कि जो इसकी कायिक वृद्धि है वही होगी, इसमें पुष्पन की क्रिया जो होगी नहीं होगी, ठीक है। अब LDP में भी हमने यही किया कि जो हमारे प्रकाश की अवधि है और ये अंधकार की अवधि है, जैसे कि हम जानते हैं कि LDP प्लांट से मतलब कि इन्हें प्रकाश की अवधि की अधिक आवश्यकता है और अंधकार की अवधि की अवधि जो है कम आवश्यकता होती है। तो अगर हम इनके प्रकाश की अवधि को डिस्टर्ब करें तो इनमें ऐसा होना चाहिए कि इनमें फ्लावरिंग जो होती है मतलब पुष्पन नहीं होना चाहिए था, पर इसका क्या होता है, विपरीत ही होता है। हमने इसकी प्रकाश अवधि को कुछ समय के लिए डिस्टर्ब भी कर दिया तो भी इनमें क्या होता है कि पुष्पन जो होता है हो जाता है। इससे यह स्पष्ट रूप से तय होता है कि जो अंधकार की अवधि है वह पुष्पन के लिए अधिक उपयोगी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि दीप्तिकलिता का प्रेरण किस प्रकार से किया जाता है। तो अधिकांश पौधों में अपने जीवन काल में कभी भी उचित दीप्तिकाल की खुराक पूर्ण हो जाने के बाद ये निश्चित व नियत समय पर सामान्य पुष्पीकरण करते हैं,
चाहे बाद में इन्हें प्रतिकूल दीप्तिकालिक स्थितियों में भी रख दिया जाए, ठीक है। तो भिन्न भिन्न पौधों में उचित दीप्तिकाल चक्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे सोयाबीन को 2 चक्रों, हेनबेन अजवाइन को 3 चक्रों और चुकंदर को 15 से 20 चक्रों की आवश्यकता होती है। और इस काल में पुष्पन के लिए हार्मोन का निर्माण की क्रिया पूर्ण हो जाती है और पौधों में जो पुष्पन होता है वह हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रकाश उद्दीपन ग्रहण क्या होता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार दीप्तिकलिता उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग पत्तियाँ व कलिकाएँ होती है, ठीक है। तो उचित दीप्तिकाल चक्रों के उद्दीपन से पत्तियों में कुछ पदार्थों का निर्माण होता है जिन्हें प्ररोह के अग्रभाग में प्रवाहित किया जाता है। वहाँ ये पदार्थ जो होते हैं, वहाँ ये पदार्थ क्या करते हैं कि पुष्पन प्रारंभीकरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। क्राइसेंथियम पादप पर केजले केजान वैज्ञानिक ने दर्शाया कि पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं में दीप्तिकलिता उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और प्रकाश उद्दीपन का संचरण पत्तियों से पुष्प कलिकाओं का फ्लोएम के माध्यम से होता है, परंतु इनका संचरण जो होता है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के संचरण से स्वतंत्र होता है। मतलब कि प्रकाश उद्दीपन ग्रहण करने की जो अवधारणा होती है इसके अनुसार क्या होता है कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो दीप्तिकालिता होती है कि उद्दीपन को कौन ग्रहण करता है, तो पत्तियाँ वो कलिकाएँ ग्रहण करती है। और उचित दीप्तिकाल चक्रों के उद्दीपन से पत्तियों में क्या होता है, कुछ पदार्थों का निर्माण होता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कराया था कि सभी पादपों को जो दीप्तिकाल के चक्र हैं वह जो होते हैं निश्चित अलग अलग होते हैं, जैसे कि कुछ पादपों के लिए 1 चक्र की आवश्यकता होती है और उसके बाद उनमें कुछ पदार्थों का निर्माण होता है। तो उनमें इन पदार्थों को इन्होंने क्या करा कि जो ये पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं कि प्ररोह के अग्रभाग में प्रवाहित किया जाता है जो निर्मित पदार्थ होते हैं, और वहाँ से ये पदार्थ जो होते हैं पुष्पन प्रारंभीकरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि जो क्राइसेंथियम पादप था उन पर केजले केजान नामक वैज्ञानिक ने दर्शाया कि पौधों की पत्तियों में दीप्तिकलिता उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है और प्रकाश उद्दीपन का संचरण जो होता है पत्तियों से पुष्प कलिकाओं में होता है, और किसके माध्यम से होता है तो वह फ्लोएम के माध्यम से होता है, परंतु इनका संचरण जो होता है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के संचरण से स्वतंत्र होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषी उत्पाद क्या होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद के रूप में हमारे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो इनका भी संचरण जो होता है फ्लोएम के द्वारा ही किया जाता है खाद्य पदार्थों का, पर जो इनका संचरण होता है और जो इन पदार्थों का संचरण होता है ये दोनों सेपरेटली होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो आती है मेरी फ्लोरीजन संकल्पना, यानी कि केजले केजान सेल परिकल्पना, ठीक है। तो यह वैज्ञानिक जो थे केजले केजान द्वारा दी गई थी, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे केजले केजान परिकल्पना कहते हैं। और इन्होंने इसका नाम जो है फ्लोरीजन संकल्पना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो होता है एक फ्लोरीजन नाम का पदार्थ बनता है, ठीक है। तो इस परिकल्पना के अनुसार प्रकाश उद्दीपन से पत्तियों में एक पदार्थ बनता है जिसे केजले केजान ने फ्लोरीजन नाम दिया। मतलब कि यह जो पदार्थ बनता है इन्होंने जो केजले केजान नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे क्या नाम दिया, फ्लोरीजन नाम दिया, ठीक है। इसी के आधार पर इसे क्या हम कहते हैं, फ्लोरीजन संकल्पना भी कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार फ्लोरीजन जो होता है पुष्पन हार्मोन के जो होता है के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोरीजन वास्तव में क्या होता है, जिब्रेलिन तथा एंथ्रेसिन नामक जो 2 यौगिकों होते हैं उनका मिश्रण होता है। अब जिब्रेलिन जो होता है पादपों में पुष्पन के लिए आवश्यक होता है तथा एंथ्रेसिन जो होता है शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए आवश्यक होता है। मतलब कि जो जिब्रेलिन है वह तो LDP यानी कि लॉन्ग डे जो प्लांट्स है उनके लिए जो पुष्पन है उसके लिए आवश्यक है, तथा एंथ्रेसिन जो हार्मोन है वह जो होता है शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि जो लघु दिवस वाले पादप हैं उनके जो होता है पुष्पन के लिए आवश्यक होता है। और यह दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, वास्तव में फ्लोरीजन जो होता है फ्लोरीजन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनकी क्रियाविधि क्या होती है वह हम समझ लेते हैं। तो प्रथम चरण में क्या होता है कि हमारे प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में क्या होता है कि जिब्रेलिन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में तो हमारा जिब्रेलिन का संश्लेषण होता है तथा अंधकार में क्या होता है हमारे एंथ्रेसिन का निर्माण होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारे जिब्रेलिन होता है वह तो प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है, जबकि एंथ्रेसिन जो पदार्थ होता है वह अंधकार में संश्लेषित होता है। जिब्रेलिन मुख्य रूप से स्तंभ निर्माण तथा कायिक वृद्धि को नियंत्रित करता है, जबकि एंथ्रेसिन जो होता है पुष्प निर्माण का जो होता है नियंत्रित करता है। अब जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, उनमें एंथ्रेसिन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है क्योंकि उनकी दिन की अवधि की अधिक आवश्यकता होती है, तो उनमें जो एंथ्रेसिन होता है उसकी पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहती है तथा जिब्रेलिन की जो होती है हमारे कमी होती है, ठीक है। अब जिब्रेलिन जो होता है हमारा क्या बनता है कि जो दिन के समय बनता है और जो एंथ्रेसिन होता है वो रात्रि के समय बनता है, और इसलिए जो LDP पादप होते हैं उनमें क्या होता है जिब्रेलिन के अनुप्रयोग द्वारा पुष्पन को प्रेरित किया जाता है, ठीक है। मतलब जो जिब्रेलिन पादप है मतलब कि जो LDP यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स है उनको क्या होती है प्रकाश की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो जब प्रकाश की अधिक मात्रा दी जाएगी तभी उनमें क्या होगा कि जिब्रेलिन का जो होता है संश्लेषण होगा। इसलिए जो LDP पादप है यानी कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स है उसमें जिब्रेलिन के अनुप्रयोग द्वारा पुष्पन जो होता है उसको प्रेरित किया जा सकता है, और इसके विपरीत जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनमें जिब्रेलिन की पर्याप्त मात्रा जो होती है उपस्थित होती है तथा एंथ्रेसिन की कमी होती है, ठीक है। तो इतना इन्हें क्या करते हैं हम एंथ्रेसिन के अनुप्रयोग द्वारा इसमें पुष्पन को प्रेरित किया जा सकता है। मतलब कि जो हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे उनमें क्या होगा कि जो जिब्रेलिन है उनकी मात्रा जो होगी कम होगी, जबकि जो एंथ्रेसिन है उनकी पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहेगी, ठीक है।
इसलिए इनके हम क्या कर सकते हैं, जिब्रेलिन के अनुप्रयोग द्वारा कुछ इनको प्रेरित कर सकते हैं। जबकि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है हमारा कि जो जिब्रेलिन होता है उसकी पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहती है, क्योंकि इन्हें प्रकाश की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें जिब्रेलिन की भी जो होती है आवश्यकता नहीं होती इतनी ज़्यादा, और जितनी भी मात्रा इनमें उपस्थित रहती है वह इनके लिए पर्याप्त होती है। तथा एंथ्रेसिन की कमी होती है, इसलिए एंथ्रेसिन के अनुप्रयोग द्वारा इनमें पुष्पन को प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फ्लोरीजन संरचना को इस डायग्राम की सहायता समझाया जा सकता है कि जो हमारा जिब्रेलिन होते हैं और एंथ्रेसिन होते हैं ये आपस में जो होते हैं परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब जिब्रेलिन जो होता है कायिक वृद्धि करता है, जबकि एंथ्रेसिन होता है जो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। अब फ्लोरीजन संकल्पना क्या कहती है कि जो फ्लोरीजन पदार्थ बनता है वो क्या करता है कि फ्लोएम के द्वारा ही क्या होता है पुष्प कलिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ पे जो होता है पुष्प निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है या फिर नियंत्रित करता है। ठीक है, और फ्लोरीजन जो होता है ये जिब्रेलिन और एंथ्रेसिन दो नामक जो दो जो हार्मोन होते हैं उनसे बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है फ्लोरीजन ने पुष्पन की परिकल्पना को समझाया था। अब अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि पुष्प वर्नलाइजेशन यानी कि वसंतीकरण क्या होता है। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।